पौड़ी के विकासखंड खिरसू के ग्राम पंचायत ग्वाड़ में एक 11 साल के बच्चे को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। बता दें कि गौशाला के समीप कुछ बच्चे खेल रहे थे, इसी दौरान झाड़ी में घात लगाए गुलदार ने 11 साल के मासूम पर हमला कर दिया। इसी के साथ ही बच्चों के शोर मचाने पर परिजन भी पहुंचे और घायल को बेस अस्पताल श्रीनगर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा है, वहीं लोगों में दहशत के साथ ही आक्रोश भी है। दूसरी तरफ श्रीनगर गढ़वाल में आवासीय बस्तियों में गुलदार घूमते नजर आए, कई स्थानों पर गुलदार सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ। गुलदार के बढ़ते मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, तो वहीं वन विभाग की टीम रेंजर ललित मोहन नेकी के नेतृत्व में गांव में पहुंची, जहां टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। विभाग अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा है, तो वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। पौड़ी से संवाददाता मुकेश बच्छेती की रिपोर्ट। तक के बच्चे की जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए यहाँ मोर्चरी में लाए हैं, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। इस समय मैं मोर्चरी पे आया हूँ, लाश को मेरे पुलिस कर्मियों द्वारा देखा गया। ये किसी जानवर के द्वारा नाखून से पेट में घाव से आने के कारण आगे मुंह के दांत टूटने से हुई है। ये मृत्यु का कारण केवल विलंब से हॉस्पिटल पहुंचाने का है और बाकी मौके पे जाके उस से आप लोगों को अवगत कराऊंगा।